गुड इवनिंग गाइस। सो टाइम राइट नाउ इज़ क्लोज टू 5 PM हियर इन दुबई। इंडिया में हो रहा क्लोज टू 6:30 PM। सो एक ऑफिस का पूरा एंड टू एंड हो चुका है। अभी अपना सेकंड वाला जो ऑफिस है उसको पूरा अभी जीरो से स्टार्ट करना है। अभी पूरा सब कुछ सामान पूरा बिखरा होकर पड़ा हुआ है। लेट मी जस्ट शो यू टू यू द बिफोर इमेज, अभी देख लो उसके बाद जाके आफ्टर देख दो। एनी वेज आप वीडियो क्या देखते रहोगे। योर करेंट सिचुएशन ऐसा कुछ हो गया है, यहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। बस अपना वॉल का जितना काम था वो हो चुका है। लाइट्स वेट भी लग चुका है। मैं खाली ऑन करने से आपको लाइट्स परफेक्टली दिखेगा। सो दिस इज हाउ द स्पेस लुक्स लाइक राइट नाउ। सो प्लान इज कि यहाँ पे एक्चुअली पीवीसी का बोर्ड्स जाएंगे। अभी तक वो स्टॉक में आया नहीं तो वो लगा नहीं है, वो आएगा। कंप्यूटर जस्ट वहीं पे रहेगा। यहाँ पे एक बड़ा वाला पेंटिंग आएगा, वो भी आएगा। यूएस में ऑर्डर किया है। वहाँ पे आईकिया का पेगबोर्ड्स रहेंगे। यहाँ पे इंडिया एंड अपना दुबई का जो टाइम जोन्स वो दोनों टाइम रहेंगे। एंड यहाँ पे डेस्क रह जाएंगे। पॉडकास्ट सेटअप यहीं पे कर देंगे। एंड ये वाला जो अपना मैंडेटरी जो सेटअप था उसको अपन यहाँ लगा के यहाँ पे लाइट लगा दें। सो दिस इज ऑल सेटअप इज गोइंग टू बी। अभी एक बार पूरा जीरो से स्टार्ट करके देखते हैं कैसे होता है। की लाइट इट्स गोइंग टू बी द सेम एपर्चर 300। ये था 200D 120D 200D हमने नया वाला ऑफिस के लिए ऑर्डर किया। सो दिस इज द 120D। कितना साल हो गया आई थिंक मे बी 6 साल या 4-5 साल शायद हो गया। 5 साल से अभी ये चालू है। एंड उसके लिए बस ये स्ट्री स्टैंड भी अपना मैं इंडिया से ही लेके आ गया था। इसको लगा देते हैं, बस काम खत्म। लाइट अपना रेडी, खाली डेस्क रेडी करने का हो जाएगा। नॉर्मली अगर आप वीडियोस बैठ के बनाते हो कोई डेस्क के ऊपर, इट्स रिकमेंडेड कि सॉफ्ट बॉक्स के ऊपर ही लाइट रहना चाहिए। छोटा छोटा लाइट मत करना। बहुत लोग क्या करते हैं अमेजोन इंडिया से क्या करते हैं, छोटा वाला लाइट अगर आप ऑर्डर करोगे आपके आँख के अंदर छोटा छोटा दिखेगा। बेस्ट इज एक सॉफ्ट बॉक्स लो। सॉफ्ट बॉक्स के अंदर एक थोड़ा हाई पावर मतलब मिनिमम 100 वाट के ऊपर ही लाइट चाहिए। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट मतलब पूरा लाइटिंग के लिए ये तो है 120D। ये 120 के बाद 200D आता है, उसके बाद 300D आता है। बट 200D 200 वाट इतना पावर चाहिए ही नहीं। 120D को भी नॉर्मली मैं वही 20-30 पावर में ही यूज़, आज तक 5 साल से एक बार भी इसको मैंने 100% पावर में यूज़ ही नहीं किया। सो 100 वाट इज़ मोर देन इनफ। बस खाली ये है कि आपको वही बेस्ट मतलब इसका तो अभी गोडोक्स का भी एक वाला शायद ऑप्शन आता है। गोडोक्स में भी अभी ये न्यूअर का एक आता है गोडोस का, वो मेरे को मालूम नहीं वो कितना दिन चलेगा। ये तो 5 साल से चल रहा है। चलो लाइट सेटअप हो चुका है, ऑन करके देख लें, टेस्ट कर लेते हैं। बहुत दिन से ऑन भी नहीं हुआ है। परफेक्ट। अभी देखो ये है ओनली कितना 42 में 42 45 50, इतना तो यूज़ भी नहीं होगा। वीडियो में हार्डली 20 या 25 में यूज़ होगा। 50 में भी कितना ज़्यादा लाइट आ रहा है मुँह के ऊपर। तो इसको नॉर्मली मैं रखता हूँ वही समेर अराउंड 30-32 में रहने से पूरा लगता है कि दिन की तरह। और इसे रिमोट भी आता है, रिमोट भी आप लाइट को ऊपर नीचे कर सकते हो। एंड टेम्परेचर भी यहाँ चेंज हो सकता है। एंड लाइट स्टैंड्स के लिए सबसे बेस्ट है ऐसा वाला सी स्टैंड, क्योंकि ट्राईपोड में मेरा खतरनाक वाला बहुत ही खराब वाला एक्सपीरियंस। मैंने ट्राईपोड में ऐसा वाला बड़ा बड़ा लाइट लगा के रखा था, पूरा लाइट गिर गया, पूरा लाइट टूट गया एंड खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। उसी के दिन से मैं तो जब भी कोई लाइट सेटअप करना होगा आपको ऑफिस में स्टूडियो में बेस्ट इस सी स्टैंड ले। तो अभी अपना एक सी स्टैंड में ये अपना रह गया लाइट, और एक सी स्टैंड का ये रह जाएगा। सो वो रहेगा अपना ओवरहेड कैमरा के लिए, अपना ये वाला सी स्टैंड यूज़ होगा ओनली। यहाँ पे ओवरहेड कैमरा, यहाँ पे कैमरा रख के यहाँ पे टेबल में कुछ करने के लिए वो वाला एक रह जाएगा। एंड और एक सी स्टैंड में भी अपन डालेंगे ओनली ये जो हेयर लाइट के लिए, ऊपर से लाइट जो आएगा हेयर लाइट के लिए और एक सी स्टैंड डालना पड़ेगा। सी स्टैंड हाईली रिकमेंडेड। एंड अभी बहुत जगह में लाइट लगा हुआ है, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। एक बार लाइट ऑन करके देखते हैं। सो अपना लाइट, चलो ये देखो यहाँ एक लाइट लगा हुआ है, यहाँ एक लाइट लगा हुआ है, ये एक अपना लाइट लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे पीछे भी लाइट लगा हुआ है। एंड सारा एक बार कॉन्फिगर होने के बाद जाके अच्छा से दिखेगा। अभी तो आपको थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा, एक बार सेटअप होने का परफेक्ट दिखेगा। ये वाला लाइट वहाँ भी एक लाइट है, वहाँ भी एक लाइट है, इस तरफ भी लाइट आ जाएगा, उसको भी अपन ऑन करके दिखाएंगे। ठीक है। काफ़ी दिनों से अपना ये राइनो स्लाइडर यूज़ नहीं हुआ था, क्योंकि वो DLF वाला ऑफिस से निकलने के बाद और कहीं प्रॉपर सेटअप नहीं था कि किया जाएगा। अभी अगेन ये आ चुका है। तो इसका चार्जर वगैरह सब कुछ लाइन में रखने के लिए कितना साल लग गया। सर ये चार्जर किसका है, ये चार्जर किसके, सभी याद रख के भी चार्जर सबको लगाना पड़ेगा। चार्जिंग के लिए डेडिकेट सबको रख देंगे जगह, और एक रख देंगे अपना हार्ड ड्राइव्स के लिए। स्लाइडर सब कुछ एक बार सेटअप होने के बाद स्लाइडर को चार्ज करके यूज़ किया जाएगा। एंड जो मेन डेस्क अपना है वीडियो के लिए, इसको इस बार भी हाइट एडजस्टेबल वाला लगा दिया गया है। तो हाइट एडजस्टेबल होगा तो एटलीस्ट जब भी वीडियोज लेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर अपने को पीछे टॉप डाउन शॉट करना होगा, लेकिन यहीं से अपन क्या करेंगे हाइट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये पूरा क्लोज टू 90 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर ऊपर भी जाएगा। यहाँ पे कैमरा लगा तो यहाँ से खड़ा होकर भी वीडियो बना सकते हैं, बैठ के भी आराम से वीडियो बनाया जा सकता है। तो परफेक्ट है। यहाँ पे इसका सेटिंग वाला ऑप्शन है, ये भी वही नैबो डेस्क से ही है। वो जो चेयर आपने देखा वो भी नैबो डेस्क है, एंड ये भी नैबो डेस्क है। हाईली रिकमेंडेड, बहुत ही खतरनाक रिलायबल वाला प्रोडक्ट है।
चलो अभी ये वाला सेटअप हो गया, यहाँ पे भी इनका डेस्क डाल देते हैं, बाद में इसका लाइट्स एंड खाली अपना अपना ये और एक सी स्टैंड ला के अपना माइक को रेडी करना पड़ेगा। माइक के लिए एक स्टैंड आएगा और एक अपना टॉप हेयर लाइट के लिए और एक स्टैंड आएगा। चलो ये वाला अपना जो डेस्क था वो प्रॉपर पूरा रेडी हो चुका है, बस खाली यहाँ पे कभी वीडियो बनाओ, लाइट लगाओ, यहाँ पे सीधा कैमरा रखो, सीधा वीडियो अपना चालू, और एक खाली अपना मैन फोटो वाला जो आया हुआ है वहाँ से एक हेयर लाइट लगेगा, ये और एक जो लाइट है फैल्कोनाइज था अपना हेयर लाइट के लिए, ऊपर से जो लाइट लगा वो एक लाइट लगेगा, ये वाला अपना हो जाएगा की लाइट, एंड यहाँ से एक लगेगा हेयर लाइट जो कि आपको वीडियो का फ्रेम में नहीं दिखेगा, बट यहाँ से वो क्या करेगा पूरा आई एंड हेयर के बीच में सेपरेशन दे देगा। सो हेयर लाइट भी रेडी, खाली उसका जो स्टैंड है वो एक स्टैंड अमेजोन से ऑर्डर करना पड़ेगा और एक साउंड वाला स्टैंड भी ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इस बार थोड़ा एक्चुअली प्लानिंग करके स्टूडियो का सेटअप किया गया है कि ऐसे हो कि मिनिमम आपको 5 या 6 मतलब बैकग्राउंड्स मिल जाए वीडियो करने के लिए। सो बेसिकली ये वाला ऐसा हो कि अगर कुछ रहता है तो हम यहाँ से भी वीडियो बना सकते हैं, इसको अगर मैं भुना मतलब घुमा दूंगा तो हम यहाँ से वीडियो बना सकते हैं, इस तरफ घुमा दूंगा तो दिस कैन बी ऑल्सो ए बैकग्राउंड, एंड अगर यहाँ मैं बैठूंगा तो दिस कैन ऑल्सो बी ए बैकग्राउंड, एंड अगर यहाँ पे बैठूंगा तो दिस कैन बी ए बैकग्राउंड एज वेल, एंड अगर यहाँ बैठेंगे तो दिस कैन बी ए बैकग्राउंड, एंड यहाँ पे बैठेंगे दिस कैन बी ए बैकग्राउंड एज वेल, एंड कभी कभी ये वाला बैकग्राउंड भी अच्छा दिखेगा। सो इट डिपेंड्स, एंड लाइव अगर कभी करना होगा तो वहाँ से सीधा रहेगा, तो लाइव से जो बैकग्राउंड रहेगा दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी, एंड अपना हेलमेट्स जो रहेंगे हेलमेट्स यहाँ पे आ जाएंगे, हेलमेट्स के लिए ऑलरेडी वी हैव गॉट द 4 पॉइंट्स, उसको बस खाली होल्ड करके लगाना है तो वो लग जाएगा। सो वही है कि पॉइंट, एक छोटा वाला जगह को हाउ वी हैव एक्चुअली प्लान टू यूज इट, यहाँ जो रहेगा वो अपना मेन वाला सेटअप यहाँ रहेगा, यहाँ पे पीवीसी वाले पाइप्स आ जाएंगे, उसके बाद जगह वहाँ लाइट्स लगेंगे, वहाँ पे पेक बोर्ड्स रह जाएंगे, उस तरफ एक पेक बोर्ड्स रह जाएगा, एंड वहाँ पे अपना कैमराज लेंसेज सब अपन वहाँ पे रख देंगे। तो अभी स्टार्ट होगा अपना मेन वाला काम जो रहेगा, अपना मेन वाला कंप्यूटर वाला सेटअप कैसे क्या रहेगा, एंड ये वाला चेयर जो है ये तो ऊपर ही चले जाएगा, ये यहाँ नहीं रहने वाला, अपना डेस्क जो यूज़ करेंगे वी आर गोइंग टू यूज़ द नैवो डेस्क का चेयर, एंड मेरा पुराना वाला जो नैवो, ये भी चेयर भी जो है वो भी नैवो डेस्क से आया हुआ है, सो यू कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो फ्रॉम नैवो डेस्क, एंड अपन ये वाला यूज़ करेंगे ओनली फॉर द वीडियोस। केबल हाइड करने का डेस्क में सबसे माल मैंने देखा ये वाला, अपने वो वाला ऑफिस में भी यही सेम वाला चीज़ को लगाया हुआ है, पूरा केबल इसमें मस्त से हाइड हो जाता है, पूरा ऐसे होकर डब्बा होकर रहता है, एंड ये वाला तो ओ माय गॉड, ये तो वायरलेस वाला भी है, वायरलेस चार्जिंग भी इसके ऊपर में हो जाएगा, शाबाश। चलो मॉनिटर सेटअप हो गया, अभी अपना साउंड वाला लेफ्ट राइट लिखाई थी वो वोटर लेफ्ट वोटर राइट, उसको भी लगा देते हैं पीछे, उसके बाद जाके फाइनल में केबल मैनेजमेंट करेंगे। एंड मॉनिटर के पीछे में जो LED लगा हुआ है दैट इज़ गोवी लाइट्स ओनली, गोवी यहाँ पर लगा होके यहाँ पे फिर से डबल टेप होके ऐसे होके गया हुआ है पूरा आगे से पीछे, दिस इज़ द गोवी RGBIC लाइट्स, लिंक में नीचे डाल दूंगा। अभी यहाँ पे पीछे में जितना केबल्स लगा है सारा केबल्स को नीचे लेंगे तो केबल दिखेगा, उसी ये वाला अपन यूज़ करेंगे, इसके अंदर देखो कितना सारा पॉइंट्स है, सारा इसमें लग जाएगा, 1 2 3 4 5 हमें चाहिए, 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली हमें 5 डिवाइस इसके लिए चाहिए, एंड यहाँ पे ऑन ऑफ का एक ही स्विच भी, एक स्विच मारो सारा ऑन सारा ऑफ, उसके बाद जाके इसके ऊपर और एक मॉडल है जो इससे थोड़ा ज़्यादा पैसा उसमें वायरलेस वाला चार्जिंग किया जाता है। तो पीछे का जो केबलिंग ऐसे कुछ किया गया है, यहाँ से केबल गया, यहाँ से केबल गया, यहाँ से केबल गया, सारा केबल के इसके अंदर घुसा है, तो नीचे से कुछ केबल दिखे रहे हैं, पीछे में जितना केबल था सब कुछ एक जगह में बांध दिया गया है, सो एनीवेज पीछे तो कोई आने वाला नहीं है, लाइट्स ऐसा LED रह गया, LED का लाइट्स अभी नीचे लगाएंगे, नीचे में ठूसेंगे। अभी बेसिकली इफ़ यू सी फ्रॉम द फ्रंट यू डोंट सी एनी ऑफ द केबल्स, फ्रंट से कुछ भी केबल्स नहीं दिख रहा, ये नीचे का जो केबल्स है सारा अभी अपन इसके अंदर अभी ठूस देंगे। सो अभी एक बार सारा केबल्स को लगा के देखिए क्या सब कुछ आ रहा है कि नहीं, तो इतना काम करने के बाद पता चला ये कुछ जल ही नहीं रहा है। सो ये हो गया अपना पीछे वाला, ये हो गया अपना साइड वाला, ये हो गया अपना मेन वाला, ये हो गया अपना डेस्क का, ये हो गया अपना जो मॉनिटर का पीछे वाला, कनेक्टेड हियर, एंड ये हो गया अपना डेस्क, एंड ये एक अपना एक मेन जो है मेन हो जाएगा। एक बार लाइट देख लेते हैं, 1 2 3 4 पछड़ा जोड़ ला, 1 2 आओ मॉनिटर पछड़ा जोड़ो जी, देखिए आ गया जोड़ो जी, तो 1 2 3 एंड अभी डेस्क पर नीचे हो रहा है गेम, यस परफेक्ट। तो अभी खाली हमें एक बार एक मेन वाला पावर लग जाएगा तो काम खत्म। अभी और एक लाया था, अगर 1000 केबल चार्जर लगाने से अच्छा एक 200 वाट का डेस्कटॉप चार्जर लगा देंगे, इससे अपन आईपैड चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं, लिखा भी है, ये यू ग्रीन का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा,
अपना लैपटॉप, टैबलेट, फोन्स, उसके बाद जाके अपने 3 USB पोर्ट्स हैं एंड 3 USB-C पोर्ट्स के, इसको लगा के इसके ऊपर लगा देंगे तो एक्स्ट्रा चार्जर लगाने का भी कोई जरूरत नहीं है। एंड इसका तीन तीन मॉडल आता है, एक आता है अपना 65 वाट जो मैं अपनी बेडरूम में लगा दिया हूँ, 65 वाट में 40 वाट का मिल जाएगा, ये है 200 वाट, वो आराम से आप चार मोबाइल एंड आईपैड एंड कंप्यूटर तीनों को चार्ज कर सकते हो। सो मोबाइल एक्स्ट्रा से आपको और लैपटॉप का चार्जर लगाने का भी जरूरत नहीं है, खतरनाक वेट भी है। सो पूरा बड़ा वाला पोर्ट एंड 3 USB-C पोर्ट्स एंड 3 USB वाले पोर्ट तो ट्रैवल के लिए भी मस्त काम करेगा। चलो इसके अंदर और क्या क्या दिया गया देखें, एक दिया ये होगा पावर केबल, दिया होगा पावर केबल पर हेवी ड्यूटी वाला ब्रेडेड वाला पावर केबल लगा के देखते हैं। चलो केबल टाइप सब कुछ हो गया, अभी और थोड़ा खाली नीचे से अगर छिपा देंगे तो काम खत्म। एक ही पॉइंट से सब कुछ पावर कर दिया गया है, नीचे से अभी मेरे को नहीं लग कुछ दिया, खाली उस तरफ का लाइट्स वाला केबल्स को एक बार मारना पड़ेगा। अब उठे वाइट टाइम अभी देख सकते हो सारा केबल साइड हो चुका है, लाइट वाला केबल को करेंगे पहले, इसको ऑन कर देखते हैं उसके बाद जाके इसको करेंगे। चलो ऑन करो, देखिए इतने काम तो कर दे ले, यदि लाइट न आसिला हवा। चलो लाइट जल गया, 1, 2 एंड पीछे वाला लाइट भी जल गया, जय श्री राम। कंप्यूटर ऑन हो जा, चल 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 चल, अभी ऑन हो जाना चाहिए, आजा आजा आजा, अभी आना चाहिए। लेट्स सी आजा, यस। अभी इसको एक बार खाली सेटअप कर देंगे, थर्ड वाला क्यों नहीं आया, तीनों आ जाना चाहिए, आजा आजा, बस परफेक्ट। अभी अपना हाइट एडजस्टेबल का एक बार देख लेंगे, अगर अपन नीचे का वो केबल्स को बंद करेंगे तो अगर हाइट जब ऊपर जाएगा ये केबल पूरा खींच जाएगा, सो अभी ये केबल को ऐसे ही रखना पड़ेगा। मोस्टली अपन क्या करेंगे, एक जो ब्लैक वाला स्ट्रिप है उसको घुमा देंगे तो ये व्हाइट वाला केबल दिखेगा, एंड ये केबल तो इतना ही रहेगा क्योंकि अगर 104 में अगर रहता है बैठने से क्लोज टू 78 हाइट में रहेगा एंड खड़ा होने के टाइम क्लोज टू वही 102 या 104 की हाइट में ही रहेगा, तो मोस्ट ऑफली अपने को नीचे में इतना ही छोड़ना पड़ेगा। सर अपना मॉनिटर्स वाला सेटअप इस जो अभी लूपटेक को भी कनेक्ट कर देते हैं, लूपटेक का तो पूरा मेमोरी जैसे खाली बस वही एक सेम पोर्ट है, सेम पोर्ट होगा तो वो वैसे भी ले लेगा। मॉनिटर्स का तो पूरा एग्जैक्टली जो जो पोर्ट था वैसे ही करके वहीं से शुरू हो गया, जहाँ से मैंने बंद किया था पुराने वाले घर से एग्जैक्टली वहीं से शुरू हो गया, खाली भी लूपटेक लगा देंगे तो अपना काम फिनिश। इसको लगाएंगे एंड अपना वाला जो बड़ा वाला वॉच किधर गया, वॉच भी हो गया एंड ये वाला भी अपना स्पीकर भी हो जाएगा, स्पीकर हो गया, वॉच हो गया एंड अपना लूप दे, ये तीनों के लिए बस खाली केबल को अभी कनेक्ट कर। चलो ये वाला वॉच को भी लगा रखते हैं अपना, जिसमें इंडिया टाइम परमानेंटली होकर रहता है। देखिए ऐसी लगी वॉच पैसे लगा ऐसी लगा टाइम ठीक है जी, 17:45 कहते हैं जी इंडिया के 17:45 ठीक है जी, हाँ परफेक्ट। चलो इंडिया टाइम भी अपना सेट हो चुका है, आज है कितना खाली डेट रॉन्ग है, डेट को अपन सही कर देते हैं। एंड ये आया था एक लेग वाला सपोर्ट के लिए चाइनीज वाला, देखते हैं कैसे काम करता है। दिया तो है बहुत सारा मसाजिंग वाला पैड्स एरियाज है, देखते हैं। तो ऐसा कुछ अभी है, यहाँ पे एडजस्टेबल के लिए भी है, एडजस्टेबल के लिए लॉक कर कितना सर एडजस्टेबल देखो एरिया है, तो जहाँ आपको जितना हाइट चाहिए वहाँ पे आप रख सकते हो। सो बेसिकली ये एक पैड हो गया, ये एक पैड हो गया, यहाँ भी रख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऐसे भी कर पैर को किया जा सकता है। सो लुक्स गुड, देखते हैं कैसे काम करता है।